संकट में है। सिल्ट के कारण इसका लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है और इससे बाढ़ का संकट बढ़ रहा है। कल एक बहुत अच्छा महोत्सव, पहला महोत्सव उसके किनारे, कमला के किनारे हुआ, जिसमें यहाँ के राज्य प्रमुख, जिला प्रमुख और बहुत सारे मेयर, दोनों तरफ के दर्जनों मेयर भी इकट्ठे हुए, और नेपाल और भारत दोनों देशों के पानी के लिए, नदियों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी इकट्ठे हुए। हमने कहा कि ये जो महोत्सव है ये तो अच्छा है, पहला महोत्सव, लेकिन महोत्सव से कमला को ठीक करने की शुरुआत होनी चाहिए। अब कमला के ऊपर जहाँ से मिट्टी कट के आती है उसको वहीं रोकने का काम शुरू हो, और कमला का स्तर ऊपर, मिट्टी का स्तर ऊपर ना बढ़े। कल मैंने देखा कि कमला नदी को लोग ऐसे पार कर रहे थे खेलते हुए। कमला तो एक शुद्ध सदा नीरा नदी थी, वो इस तरह से उसका मरना अच्छा नहीं है। कमला को पुनर्जीवित करने के लिए नेपाल से काम शुरू हो और फिर भारत के लोग भी करें। भारत और नेपाल दोनों अपने अपने क्षेत्रों में नदी में मिट्टी ना आए, मिट्टी नदी में जहाँ ऊपर की ऊपर रुके, केवल पानी नीचे आए, और वो पानी फिर बाढ़ नहीं लाएगा और ऊपर सुखाड़ भी नहीं होगा, क्योंकि यदि मिट्टी होगी, नमी होगी, तो ऊपर हरियाली आएगी। इस वक्त ये जो धरती को बुखार चढ़ रहा है, मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इसका इलाज यही है कि हम कमला नदी के फ्लो को स्लो करें, हरियाली बढ़ाएं, और कमला में हरियाली बढ़ेगी तो फिर कमला का इरोजन रुक जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए कमला के नेपाल और भारतवासियों को, कमला के बेटे हैं ये दोनों, नेपाल भी और भारत, और भारत भी, दोनों बेटों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कमला जी इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं और बेटे लापरवाही करेंगे तो कमला जी तो मरेंगी। कमला जी ना मरे उसके लिए भारत को, नेपाल को, दोनों बेटों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और जिम्मेदारी समझकर माँ कमला का ठीक से इलाज करवाना चाहिए। माँ कमला की बीमारी इस वक्त हृदय रोग की है, उसी का इलाज हो। माँ कमला के पेट में गंदे डाले ना पड़े और मिट्टी का जमाव ना हो, ये ही कमला के लिए जरूरी काम है। इसी काम को हम सबको मिलकर करने की जरूरत है, और ये काम ना अकेले नेपाल का है और ना अकेले भारत का है। नेपाल के लोग ऊपर से जब मिट्टी को रोकेंगे और मिट्टी ऊपर रुकेगी तो हरियाली बढ़ जाएगी, नीचे भी मिट्टी नहीं आएगी तो नदी का तल ऊपर नहीं उठेगा, नदी में बाढ़ नहीं आएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कमला का बेटा नंबर एक नेपाल, बेटा नंबर दो भारत। तो पहले बेटा नंबर एक को मिट्टी नीचे ना जाए उसकी पूरी गारंटी लेके काम करना चाहिए, और फिर भारत भी साथ साथ काम करे, तब नेपाल, तब हमारी कमला जी शुद्ध सदा नीरा होकर बहेंगी। नहीं तो अब ये आईसीयू में भर्ती है, कब मर जाएंगी मालूम नहीं। कल मैंने उसकी मृत्यु के लक्षण देख लिए। मृत्यु का लक्षण सबसे बड़ा तो ये था कि कल मेरी आंखों के सामने कमला जी को लोग नहाते हुए इधर से लेकर उधर तक पार कर रहे थे। इसका मतलब कमला जी में फ्लो कैसा है वो समझ में आता है। तो कमला के फ्लो को पेरिनियल स्लो करने की जरूरत है, वो यदि होगा तो कमला का तल ऊपर नहीं उठेगा, अन्यथा कमला का तल जिस तरह तेजी से ऊपर उठ रहा है,
ये नेपाल के लिए और भारत के लिए दोनों के लिए बड़ा संकट है। इस संकट से बचने के लिए दोनों को मिलकर शुरुआत करनी चाहिए। कल का महोत्सव, कल का पहला महोत्सव एक तरह की शुरुआत कही जा सकती है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। नदियां केवल आरती और उत्सव से ठीक नहीं होती है। नदियों को आरती उत्सव तो केवल सम्मान दिलाता है, काम करना पड़ता है नदी के लिए, नदी के बेटों को। इसलिए कल के उत्सव को केवल महोत्सव मानना चाहिए, अब काम करने की जरूरत है। कल यहाँ के गवर्नर ने, यहाँ के राज्य प्रमुख ने, जिला प्रमुखों ने, मेयर्स ने बहुत संकल्प लिए हैं, इसलिए उन संकल्पों को अब पूरा करने की जरूरत है। वो लोग काम में लगे, यदि वो काम में लगेंगे तो माँ कमला उनको माफ करेगी, नहीं तो माँ कमला दंडित भी करती है। यदि माँ को धोखा देता है जो, केवल कहता कुछ है और करता नहीं है, तो माँ उसको दंडित भी करती है, रैपट भी लगाती है कान पे। इसलिए भारत और नेपाल दोनों को ये मानना चाहिए कि माँ कमला का ठीक से इलाज करने की जरूरत है, और कल के महोत्सव में जो संकल्प लिए गए उनको शुरुआत करना, उनको पूरा करना जल्दी से जल्दी सबकी जिम्मेदारी है। जीवन दायन भगवती कमला जन जन के करथि कल्याण, आओ सब क्यों मिलकर चलावी कमला बचाओ अभियान। जीवन दायिनी भगवती कमला, जीवन दायिनी भगवती कमला जन जन के करथि कल्याण, आओ सब क्यों मिलकर चला दी कमला।